चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड कर लो क्या कह रहा है। टोटल चार्ज कैपिटल क्यू इज ब्रोकन इन टू पार्ट्स Q1 एंड Q2 एंड दे आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस कैपिटल आर फ्रॉम ईच अदर द मैक्सिमम फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन दम अकर। अच्छा यहाँ मैक्सिमम फोर्स के बारे में पूछ रहा है, तो मैक्सिमम फोर्स जनरली हम लोग जब भी मैक्सिमम मिनिमा की बात करते हैं, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम मिनिमा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दो चार्ज, एक चार्ज को हमने जो प्लस क्यू चार्ज था इसको दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, एक ये और एक ये, यह है प्लस Q1, दूसरा है प्लस Q2। इसका मतलब है Q की वैल्यू Q1 प्लस Q2 के इक्वल है, Q की वैल्यू Q1 प्लस Q2 के इक्वल है, सही है। अब देखो इसमें इस आगे क्या कह रहे हैं कि दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस R है, तो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, फोर्स होगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर Q1 की जगह क्या मैं Q -Q2 लिख सकता हूँ, Q1 की जगह इस फॉर्मूले में, इस इक्वेशन में क्या Q1 की जगह Q -Q2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, अपॉन Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ Q2 के रिस्पेक्ट में। अगर मैं Q2 के रिस्पेक्ट में इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करता हूँ तो क्या आएगा, DdQ2 ऑफ F इज इक्वल टू DdQ2 ऑफ K ब्रैकेट में Q -Q2 इंटू Q2, करेक्ट है, डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अब जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर हम कर देंगे, क्योंकि ये Q की वैल्यू कांस्टेंट है, फिक्स है, चार्ज की वैल्यू, मैक्सिमम चार्ज की वैल्यू फिक्स है, तो K को बाहर कर दिया, Q को बाहर कर दिया, सॉरी Q को नहीं, Q तो अभी अंदर रहेगा, तो अपॉन R स्क्वायर को बाहर कर दिया, तो ये क्या होगा, DdQ2 ब्रैकेट में Q2 से अंदर, इसमें भी मल्टीप्लाई करो, इसमें भी मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, Q2 -Q2 का स्क्वायर। अब डिफरेंशिएट कर दें, DF/DQ2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, K/R स्क्वायर ब्रैकेट में डिफरेंशिएट करें क्या आएगा, Q(1 -2Q2) ये आया। अब मैक्सिमम मिनिमा के लिए जिस जिसको आपने डिफरेंशिएट किया उसकी वैल्यू को जीरो किया, जीरो करेंगे तो इस पूरी वैल्यू को जीरो करेंगे तो क्या आएगा, यहां से देखो इस वैल्यू को जीरो करेंगे, K/R² Q -2Q2 इक्वल टू जीरो, यानी Q -2Q2 इक्वल टू जीरो, इट मींस Q2 इज इक्वल टू Q/2, Q/2 वैल्यू उठा के रख दो यहां पर, तो Q1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q1 की वैल्यू, तो Q1 आ जाएगा Q -Q2/2, सो Q1 इज इक्वल टू Q2/2, यानी Q1 की वैल्यू बाई Q/2 और Q2 की वैल्यू बाई Q/2, कौन सा ऑप्शन सही है, ये वाला डी वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है, Q/2 करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड कर लो नेक्स्ट वाला।